अगर आप गूगल पर प्रिंस द आर्टिस्ट टाइप करेंगे तो आपके सामने एक फोटो आएगी जो अपने समय का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था। वो खुद को वेजिटेरियन कहते थे और सुपरस्टार होने के साथ साथ, एक आर्टिस्ट कलाकार होने के साथ साथ, वो एक एनिमल एक्टिविस्ट भी थे। उनके बारे में काफी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में एज ए आइडियल, आदर्श के रूप में आप उनकी देख सकते हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। हालांकि अगर आप उनका विकिपीडिया पढ़ेंगे तो ऑफिशियली आपको ये पता चलेगा कि उनकी मौत फेंटनिल ओवरडोज से हुई थी। उसके बाद केस भी फाइल हुआ कि किस तरीके से वो ड्रग उनके पास आया और किस तरीके से ओवरडोज हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी सवाल उठाए, उन पर भी सवाल उठे, और फाइनली कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं हुआ। तो आज तक ये रहस्य है उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि जो सरकमस्टेंसेस थे वो काफी आपत्तिजनक थे। लेकिन 22 साल पहले का उनका वीडियो जो अब काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जो 1 मिनट का वीडियो है, और मुझे लगता है जो सीखना होगा, जिन्हें उनसे कुछ जानना होगा, वो उस 1 मिनट के वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। आज से लगभग 22 साल पहले ये सुपरस्टार कह रहा है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट आपका इस्तेमाल करता है या कंप्यूटर आपका इस्तेमाल करता है तो ये चिंताजनक, आपको सोचने की जरूरत है। सोच कर देखिए ये बातें ये स्टार, ये आर्टिस्ट कब कह रहा है, आज से 22 साल पहले। तो मुझे लगता है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा उस समय प्रिडिक्ट कर लिया होगा या देखा होगा जो आने वाले समय में लोगों के लिए कुछ बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, रोबोट्स हमारी जिंदगी में जगह बना रहे हैं, और सिर्फ जगह बनाना तक तो ठीक है, लेकिन रोबोट आज ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं की बात कर रहा हूं कि आप जब इमोशनल होते हैं तो अपनी भावनाएं किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, आज वो जगह भी रोबोट्स ले रहे हैं। शायद इस आर्टिस्ट ने हमें 22 साल पहले बता दिया था कि इंटरनेट और कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करें, उनको खुद को इस्तेमाल ना करने दें। यही नहीं, आज ऑनलाइन कंपनियां बताती हैं कि हमें क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसा खरीदना है, किस रेट में खरीदना है। आप बिक रहे हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपका डेटा बिक रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको बेचा जा रहा है, आप एक प्रोडक्ट है जो बिक रहे हैं, जिससे आपका पूरा कंट्रोल आज बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े टाइकून्स, जिन्हें आप कहते हैं इंडस्ट्रियल टाइकून्स या बिजनेस टाइकून्स, वो है, वो आपको खरीद रहे हैं। और हो क्या रहा है, इसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से। दुबई में जो सोफी, ये एक रोबोट है जिसे 2018 या 2019 में, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, उसे नागरिकता मिल गई थी दुबई की, जब उससे एक बार पूछा गया कि तुम आदमियों के साथ क्या करोगी, ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या करोगी, तो उसने कहा मैं उसे मार दूंगी। आप इस पर बात कर सकते, देख सकते हैं ये वीडियो, इसमें मैंने डिटेल में बात की थी।
आप सोच कर देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स बनाए हैं, वो रोबोट्स आज खुद ब खुद सीख रहे हैं और आज उनके बारे में हम इतना नहीं जानते। आप समझिए, मतलब कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो रोबोट हैं धीरे धीरे सीख रहे हैं, इनकी एनालिटिकल स्किल्स और इनकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ रही हैं, खुद ब खुद ये अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहेंगे। और अगर ये पैरेलली ह्यूमन बीइंग्स के पैरेलली खड़े हो गए तो एक पोलराइजेशन वाली स्थिति जरूर होगी। ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं डिजिटलाइजेशन के। हो सकता है आप बात पर हंसे और ये कह दें कि ह्यूमन बीइंग्स जो इन्हें बना रहे हैं वो इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये खुद ही खुद को बनाएंगे, उस समय आप क्या करेंगे? और ये होने वाला है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं विकास के डेवलपमेंट के नाम के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में अगर रोबोट जगह ले रहे हैं तो उन रोबोट के इस्तेमाल करने की कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज में रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके इस्तेमाल होने की जगह होनी चाहिए। वो हमारी जिंदगी में कितना इंडल्ज हो रहे हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो लिमिट हम सेट करते हैं तो ठीक है, लेकिन आज कोई भी कंपनी जो रोबोटिक्स पर काम कर रही है वो इस लिमिट को तय करने की या सेट करने के लिए कभी भी एग्री नहीं होती, क्योंकि वो चाहते हैं इनका इंडल्जमेंट आपकी हर एक चीज में हो। आज एलेक्सा जैसा एक छोटा सा डिवाइस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, वो आपकी घर की हर एक चीज, मैं इस पर भी बात कर चुका हूँ, हर एक प्राइवेट चीज के ऊपर बात करते हैं जब भी आप उस पर, बेशक से वो ऑफ हो, तो वो उस डेटा को, वो उस मेमोरी को बाहर भेज रहा है ताकि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता हो। आज सोशल मीडिया इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप वोट क्या कहाँ देंगे, कैसे देंगे, आप क्या खरीदेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, किस तरीके से, ये सब सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस डिजिटलाइजेशन की कोई लिमिट होगी? और क्या बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, क्या आप सोच सकते हैं कि इस डिजिटलाइजेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? क्योंकि मेरी नजर में तो अगर इनकी या किसी भी चीज की कोई भी लिमिट तय नहीं की जाती तो हमेशा उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उसके आने वाले ऐसे खतरनाक परिणाम होते हैं शायद जो हम या हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो देख ना पाए और उनके लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा पैदा हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट को ही ले लीजिए, रोबोट का एक सीधे सीधे तौर पर एक बड़ा ड्रॉबैक है, साइड इफेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और इसके साथ साथ तो अभी देखिए आने वाले समय में और क्या क्या होगा। सिर्फ इतना ही कि इन सब चीजों की एक लिमिट तय होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो 20-20, 22-22 साल पहले इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, वो कुछ ना कुछ उनके पीछे होता है। वो कभी ये मान के चलिए उन्होंने कुछ सोचकर ही ये कहा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि डिजिटलाइजेशन से आप दूर नहीं जा सकते, लेकिन हमें एक लिमिट तय करनी होगी कि आप अपने ज़िंदगी में डिजिटलाइजेशन को, रोबोटिक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने घर की चार दीवारी में कितनी जगह देते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय।